नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद चैनल राना वर्ल्ड पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजगार की नई नई खबरें। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मैं आपके लिए फिर कुछ वैकेंसीज लेकर आया हूं। इस बार सारी की सारी वैकेंसीज हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इन वैकेंसीज के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें, और उसके साथ में जो रेड कलर का बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपको वीडियो आई पसंद तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कोई कमी लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं इन वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये सारी की सारी वैकेंसी जो है जेई की है, जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। टोटल मिलाकर 24 वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये आज 7 तारीख से, आज से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी मेन डेट्स जो हैं ये आप देख लीजिए, 7 जनवरी से 27 जनवरी के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने टेंटेटिव डेट एग्जामिनेशन की 2019 फरवरी, इसका मतलब अगले महीने में ही दे दी है। तो जो भी कुछ है फटाफट हो जाएगा। और अप्लाई करने के लिए दोस्तों, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in इस पर जाना है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछने जाते हैं, तो आप cgrs@ibps.in इस पर मेल करके आप इनसे पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब इन वैकेंसीज के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, ये है जूनियर इंजीनियर सिविल की, और इसमें इन्होंने, ये ऑल ओवर इंडिया है दोस्तों, चारों इसमें पांचों जोन में इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। और आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, सबसे पहले ईस्ट में केवल 2 वैकेंसी है, एक ओबीसी एक जनरल की। वेस्ट में टोटल 7 वैकेंसी हैं, एक एसटी की है, 2 ओबीसी की हैं और 4 जनरल की। नॉर्थ में दोस्तों, नॉर्थ में टोटल 3 हैं, एक ओबीसी और 2 जनरल। और साउथ में है दोस्तों केवल 1 वैकेंसी, वो जनरल कैटेगरी के लिए है। और सेंट्रल इसमें है 2 वैकेंसी, एक ओबीसी एक जनरल। इस तरह से टोटल वैकेंसी है 15, और कैटेगरी वाइज यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, ये कैटेगरी वाइज यहाँ इन्होंने मेंशन की हुई है। अब नेक्स्ट दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पे चलते हैं, जेई इलेक्ट्रिकल। इसमें टोटल 9 वैकेंसी है दोस्तों, ईस्ट में केवल 1 वैकेंसी है, वो जनरल कैटेगरी की है। और वेस्ट में देख लीजिए, वेस्ट में टोटल 4 वैकेंसी है दोस्तों, एक एसटी की है, एक ओबीसी की है और 2 जनरल कैटेगरी की है। नॉर्थ में दोस्तों टोटल 2 वैकेंसी है, एक ओबीसी एक जनरल। और साउथ में टोटल 1 ही वैकेंसी है, वो जनरल कैटेगरी की है। और सेंट्रल में 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल की है। और इस तरह से टोटल 9 वैकेंसी है। तो दोस्तों, इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 30 साल, और जो कैटेगरी वाले लोग हैं एससी एसटी वो अपने 5 साल इसमें ऐड कर लीजिए, वो 35 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो अपने 3 साल ऐड कर लीजिए। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है, कोई दिव्यांग है, तो वो इसमें अपने 10 साल ऐड कर सकता है। अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो अपनी कैटेगरी का रिलैक्सेशन भी उसे मिलेगा। तो इसमें फीस में बता दूं दोस्तों, जैसे यहाँ फीस इन्होंने दी हुई है, वैसे कैटेगरी एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन 50 रुपए इन्हें इंटीमेशन चार्ज देने होंगे, मतलब 50 रुपए फीस भरनी होगी। और बाकी जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए टोटल फीस जो है 450 रुपए है, जो कि आपको ऑनलाइन ही भरनी है। जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तब आपको भरनी है। एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें जो आपने डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों के साथ एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये टोटल 24 पेज का नोटिफिकेशन है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अप्लाई करने से पहले प्लीज 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 इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें, जिससे कि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि काफी पैसे लगते हैं दोस्तों, काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लें और उसके बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि अभी काफी दिन है, 20 दिन है, आज तो पहला ही दिन है, तो आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। तो अब ये क्वालिफिकेशन मैं दिखा देता हूं आपको। क्वालिफिकेशन में ये है दोस्तों, ये सबसे पहले सिविल की है, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा सिविल में, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो 3 ईयर डिप्लोमा सिविल में, 65% मार्क्स जनरल और ओबीसी के लिए, 55% मार्क्स एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ, सॉरी डिग्री की हुई है, तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, और 45 एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप के लिए। और ऐसा ही सेम इलेक्ट्रिकल के लिए है, अगर डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो 65% मार्क्स, एससी एसटी के लिए 55%, अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो 55% मार्क्स, और एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप के लिए टोटल
45% मार्क्स, और ये देख लीजिए एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर डिग्री की हुई है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ऐसा ही सेम इलेक्ट्रिकल के लिए भी है दोस्तों। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपने डिग्री की हुई है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस किया हुआ है, यहाँ इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। और इन्होंने दोस्तों इसके एग्जामिनेशन के बारे में ही बताया हुआ है कि किस तरह का एग्जाम होगा, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इसे जरूर पढ़ लें। तो दोस्तों आई होप मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों के काम की होगी, और अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेरी चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर जरूर देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा, और आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।